दोस्तों अगर आपको डॉग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एटमिक्स, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए लेटेस्ट डॉग हेल्थ नॉलेज वीडियोस और फिश हेल्थ नॉलेज वीडियोस देखिए सबसे पहले। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुल मैस्टिफ के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एटमिक्स और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों जितना हो सके उतने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बुल मैस्टिफ का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है और ये एक लार्ज साइज ब्रीड होती है। दोस्तों ये एक प्योर ब्रीड है और ये वर्किंग डॉग ब्रीड को बिलोंग करती है। बुल मैस्टिफ फैमिली के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और काफ़ी एक्टिव डॉग होते हैं। बुल मैस्टिफ एक क्रॉस ब्रीड है बुल डॉग और मैस्टिफ डॉग की, और सबसे पहला बुल मैस्टिफ 1830 में ब्रीड किया गया था। डॉग को एज ए साइलेंट वॉच डॉग ब्रीड किया गया था, इसलिए ये डॉग इतना बार्क नहीं करते और ये डॉग बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है, एक्टिव डॉग है और काफ़ी अच्छे डॉग है और इन्हें फैमिली के साथ रहना बहुत ही पसंद है। तो ध्यान रखिएगा आप इसे अकेला ना रहने दीजिएगा, इन्हें इन डॉग को ज़्यादातर फैमिली के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन डॉग का कोट बहुत ही शॉर्ट कोट होता है और वाटर रेजिस्टेंट होता है और इन डॉग की ग्रूमिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। बुल मैस्टिफ बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे से रह लेता है, बट इनकी लार्ज साइज के कारण कोई बड़ा उधर होना ज़रूरी है। और इनके कलर की बात करें तो इनका कलर आपको 3 कलर में मिलेगा, रेड, फ्यून और विंटल। तो आप अगर इन्हें अच्छे से देखभाल करते, इनकी अच्छे टेक केयर करते तो इनकी लाइफ स्पेन 8 से लेकर 10 ईयर तक होती है। और एवरेज वेट की बात करें तो मेल में होती है 15 से लेकर 59 kg और फीमेल में होती है 41 से लेकर 54 kg, और इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बुल मैस्टिफ में मेल की एवरेज हाइट 25 से लेकर 27 इंच होती है और फीमेल में 24 से लेकर 26 इंच तक होती है। तो इन डॉग की प्राइस की बात करें तो इंडिया में आपको ये 17,000 से 26,000 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों एक ही सी रैंकिंग में इन डॉग का 48 नंबर आता है। ये डॉग आसानी से मीडियम साइज़ फ्लैट और अपार्टमेंट में आसानी से रह सकते हैं। और बुल मैस्टिफ अपने फैमिली और ऑनर के लिए बहुत ही लॉयल होते और प्रोटेक्टिव होते हैं, और आप इन्हें एज अ गार्ड डॉग भी घर पर रख सकते हैं। ऐसे तो बुल मैस्टिफ काफ़ी हेल्दी डॉग होता है, बट इन्हें भी कई तरह के डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आई प्रॉब्लम, हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया। और इन डॉग को आपको बचपन से ही सोशलाइज और ट्रेनिंग देनी चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके आपकी बात नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी करेंगे और कभी कभार खूंखार भी हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी अपने डॉग को घर लेके आते हो या फिर बाय करते हो तभी उसे सोशलाइज ज़रूर कीजिएगा बाकी डॉग के साथ, और उसे रोज़ ट्रेनिंग भी ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे जाके वो परफेक्ट डॉग, फ्रेंडली और गार्ड डॉग बना रहे। ये डॉग फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर है तो इन्हें लेने की सोचिएगा भी मत। अगर आप सेकेंड टाइम ओनर है तो आप इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस वाला ओनर चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और इन डॉग को प्रॉपरली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये जल्दी से वेट अपना गेन कर लेते और मोटे हो जाते। तो ध्यान रखिएगा इन्हें प्रॉपरली एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। इन डॉग को अगर हेल्दी और फिट रखना है तो इनके लिए आप परफेक्ट डाइट प्लान ज़रूर बनाएं और टाइम टेबल ज़रूर बनाएं ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग और घूमने फिरने का और खेलने का। और दोस्तों इन डॉग के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन्हें अकेला रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बुल मैस्टिफ की पसंद की बात करें तो इन्हें बाहर घूमना और खेलना और एक जगह पर शांति से बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। बुल मैस्टिफ को आप एडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर एडॉप्ट कर दिया तो उसकी खान पान पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसको अच्छा क्वालिटी वाला फूड आप दीजिएगा और लो क्वालिटी वाला जितना कम हो सके उतना आप फूड उसको दीजिएगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का आप जितना फूड उसको देंगे उसकी हाइट, बॉडी ग्रो करने में उतनी ही मदद होगी और एक परफेक्ट और मेंटेन डॉग रहेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको बुल मैस्टिफ की कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट अच्छे लगे हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर हमारे चैनल के अंदर जाके भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।